ड्रोन तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन एक अब ऐसे ड्रोन को हम आपको दिखा रहे हैं जो हमारे वजन के किसी भी इंसान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। और इस तरह के ड्रोन को विशेष तौर पर भारतीय आर्मी में भी अब प्रयोग किया जा सकता है। इस ड्रोन को मैं दिखाना चाहूँगा विशेष तौर पर। आप देखें ये बहुत खूबसूरत तरीके से बेहतर तकनीक के सहारे इस ड्रोन को बनाया गया है। और पिछले कुछ दिनों पहले इस तरह के ड्रोन की काफ़ी चर्चा भी हो रही थी, और जिस तरह से स्वदेशी तकनीक यानी कि मेक इन इंडिया के तहत इस ड्रोन को बनाया गया है, और ये पूरा स्वदेशी, इसमें तमाम जो उपकरण हैं वो बनाए गए हैं और स्वदेशी उपकरणों का सहारा लिया गया है। और जिस तरह से इस ड्रोन की अगर बात करें तो तकरीबन 150 किलो के वज़न को ये उठाकर ले जाने की इसकी क्षमता है। हालांकि तकरीबन अभी 65 किलो के वज़न को अभी इस पर टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन इसकी जो क्षमता है, इसकी जो खासियत है, इसको समझते हैं। हमारे साथ में कमलेश जी हमारे साथ में हैं। कमलेश जी, मैं समझना चाहूँगा कि ये आपकी जो कंपनी तैयार की है, इसके बारे में बताइए किस तरह का ये आधुनिक ड्रोन है। ये सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड से मेक इन इंडिया अंडर ये बनाया है। अभी ये पूरा मींस इसका टोटल टेक ऑफ वेट है 150 kg, और ये 65 kg तक लेके जा सकता है। सपोज एक माउंटेन एरिया है, उधर आदमी नहीं जा सकता, तो कुछ इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, कोई फूड वगैरह, तो ये इजीली कैरी कर सकता है वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में। अच्छा, है माउंटेन का एरिया हो, रेगिस्तान हो, पानी वाला एरिया हो, तो कहीं पे भी आसानी से लेके जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस तरह के जो मेक इन इंडिया के तहत यानी स्वदेशी तकनीक के सहारे इस तरह के ड्रोन को बनाया गया है। और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इंडियन डिफेंस में भी इसका प्रयोग लॉजिस्टिक सेवा के लिए, इसके साथ साथ या किसी जवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तत्काल पहुंचाना हो तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली।